तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे किन शब्दों में अपनी खुशियों को जाहिर करना चाहेंगे? यार मैं जब खुश होती हूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं। वाह, इजी आंसर दे दे। शब्द ही नहीं होते। सही होता है ना, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपने फीलिंग्स को? हर चीज़ में कुछ उल्टा क्यों बोलना होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ऐसे हमारे पास शब्द ही नहीं है, इतनी दुखी होती है। इतनी खुश हूँ मैं। नहीं, एक यू नो प्रीवियस शो जो था मेरा बेगूसराय, दैट वाज ऑन एंट टीवी। उसके बाद गेटिंग जी टीवी शो एंड वेरी फास्ट एंड नॉट जस्ट दैट, वो तो क्या चैनल वाली बात। ये झूठ बोल रहे, तू दिन भर बैठ के पूजा करता था, अभी बताया था मुझे कि शो मिल जाए, शो मिल जाए, मिल गया। और मुझे इतनी अच्छी अपोजिट लीड मिल जाए, एक्ट्रेस मिल जाए, मिल गई। और क्या चाहिए? मिन्नतों के बाद मिली मुझे ये। मैंने इतनी लड़कियों के साथ लुक टेस्ट किए, फिर जाके मैडम आई। यू आर सो लकी मैन। तुम तो प्रसाद चढ़ाना विदाउट लुक टेस्ट, विदाउट मॉक शूट। मेरी बात ही अलग है, बात ही अलग है। अच्छा, तो लकी मानते हैं अपने आप को, फिर टशन क्यों दिखा रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को? वो तो राजा नहीं टशन दिखा रहे हैं, दिखाना ज़रूरी है यार, हमारे ऑडियंस को मज़ा कैसे आएगा? नहीं तो नॉर्मली होता क्या, लड़की टशन दिखाती है, लड़का सीधा होता है। इसमें दोनों ही ऐसे एड़े से कि दोनों ही टशन दिखा रहे हैं। भाई तू भाग, मैं भी भाग रही हूँ, मुझे नहीं, तुझे भाव ही नहीं देना। ये ना शुरुआत में आपकी इंसल्ट कर दिए। मैं एक्चुअली रॉयल हूँ, मैं ज़्यादा मुँह नहीं लगता। ये कॉलेज मेरा है, सब कुछ मेरा है। अब ये छोटे लोग जो छोटे लोग बड़े लोग जो होते हैं ना, ये जो कॉमन लोग जो होते हैं, इनके क्या मुंह लगो। सही बात। तो ऐसी लड़ाई हो जाती है इनको। इनको मेरी सिंपल, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरी सिंपल सी चीज़ें इनको बदतमीजी लगती है। मेरी लाइफ ही ऐसी, मैं क्या करूँ? हाँ, बिगड़े हुए किंग है ये। हूँ मैं बिगड़ा, राजा का बेटा हूँ। तुम हो क्या? मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, मैं भी रानी की बेटी हूँ। वो तुम्हें नहीं पता अभी? नहीं, मुझे पता है। सस्पेंस आप लोगों ने खोल दिया है। वैसे अगर आप लोगों के लुक की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम मतलब रेट्रो लुक वाला है। हाँ, इतनी गर्मी लग रही है इसे तो मुझे, मेरा तो ठीक है एकदम। ये माइकल जैक्सन टाइप की जैकेट है। हाउ कम माइकल जैक्सन ऐसा कुछ पहनते हैं ना, ही ऑलवेज वेयर्स ऐसा पहनते थे। हाँ, चलो मैंने उनके कॉस्ट्यूम इतना, मैं उनके डांस में ही और उनके गानों में ही बहुत खुश रहती थी। यार अर्ली 60s का है तो हमारे लोग वैसे टोंग एंड ऑल, हमारे बबली सा। मेरा तो गाड़ियाँ देखो बाहर पार्क, एक इम्पाला है, शेवरोले इम्पाला, कितनी अच्छी है ना। अरे क्या डेंट मार दिया आज उसमें। उसमें बैठने का सीन था, उस पर डेंट पड़ गया। ये बैठी थी, मैं बैठी थी। और इस शो में आई थिंक हॉर्स राइडिंग भी कराएंगे हमसे। जो भी रजवाड़े वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो भी करते हैं वो सब हम करेंगे। बड़ा एक्साइटिंग सा है। ऐसे शो एक्चुअली बनते हैं। और हमारा सेट ना बहुत दूर है एक्चुअली। ये सुबह से हर लाइन के बाद इनकी ये लाइन है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सेट बहुत दूर है यार। सेट तो बहुत दूर है। ट्रैवल सो मच, तो सेट तो दूर है ही ना। ये गोरेगांव में रहती है, फिल्म सिटी में। अपना एड्रेस बताओ, बिल्डिंग नंबर। क्यों वैसे ये राजा जो है वो गिटार विटार भी बजाता है मेरे ख्याल से। मतलब कितनी प्रैक्टिस की, कितना सीखा है अपने आप को? अरे उंगलियाँ छिल गई मेरी, देखो। आज पहला दिन था, मैंने गिटार बजाया, सो कोई प्रैक्टिस नहीं की। वेरी स्मार्ट, ऐसे हाथ से बजाना शुरू कर दिया। हमने एक्टिंग की, हमने प्रैक्टिस नहीं की। वेल, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? एकदम एक नए अवतार में आप लोग आ रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कहना चाहूँगी कि आप लोग ने इतना प्यार देते आए हैं जब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं एक न्यू कमर थी। तो नॉर्मली न्यू कमर को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है ऑडियंस के लिए। मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। तो आप लोग ने उस कैरेक्टर को इतना प्यार दिया, तो आई एम वेरी श्योर कि इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा प्यार देंगे और खुशी मिलेगी। इतना कोई प्यार नहीं दिया, ठीक है ना? मुझे नहीं पता, ये फैन था मेरा। देखो बात क्यों करती है ना। मेरी जो ग्रैंड मॉम है ना, मेरी नानी मॉम, वो आई हुई है यहाँ पंजाब से, अमृतसर से। और जब मैंने उनको इनकी फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने कहा ये लड़की इतनी प्यारी है, क्योंकि मैं ये शो जो है इसका रंग सफ़ेद इसी के लिए देखती थी। मैंने कहा आप देखो यहाँ आ गई। शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगा कि बेगूसराय में जब आई एग्जिटेड द शो, मैंने प्रीमेच्योरली मैंने शो क्विट कर दिया था। सो लॉट ऑफ माई फैंस वर वेरी अपसेट कि हमें यू नो प्रियोम ठाकुर देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने ट्विटर पे उनसे प्रॉमिस किया था कि आई विल कम बैक विद अ बैंग। सो दिस इज़ द बैंग फॉर यू। वॉच मी ऑन दिस एंड या यू लव इट। कीप लविंग। थैंक यू सो मच।